आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम पे काफ़ी सारी लेडीज़ को एक प्रॉब्लम होती है कि उनके पेट में जलन होती है। इसका कारण क्या होता है और इसका निवारण क्या है, दोनों ही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो के साथ बने रहें, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट हम बातें करने वाले हैं। प्रेगनेंसी केयर इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ मॉम किड एक्सप्रेस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने बेबी की केयर टिप्स जानने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ऐसा क्यों होता है। अगेन, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आपके हाथ पैरों में जलन होना, पेट में जलन होना या फिर पैर के तलवों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, सीने में काफ़ी ज़्यादा जलन, एसिडिटी, गैस, ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको फेस करनी पड़ती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। अब बात आती है कि आखिर ये क्यों होता है। हार्मोनल चेंजेस वाली बात ठीक है, लेकिन इसके भी कुछ और चीज़ें भी रहती हैं, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मील एक बार में, लाइक ज़्यादा खाना एक साथ खा लेते हैं, पानी का इनटेक आपका कम है, इन सारे जो चीज़ें होती हैं इससे भी जो आपके पेट की जलन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। पेट में जब जलन ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती है तो इससे बच्चे को भी थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग सकता है। इसके लिए आपको कुछ कुछ चीज़ें करनी है जैसे कि आपकी पेट की जलन जो है वो कम हो जाए, जिसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो है आपको घी का जो इनटेक है वो ज़्यादा आपको कर देना है। अगर आपका थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है तो आप बिना अटेंशन के जो इनटेक है घी का वो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपका पहले दो ट्राइमेस्टर है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी, लाइक एक या डेढ़ चम्मच जो है वो घी का इनटेक जो है वो बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा ना बढ़ाएं, क्योंकि जब आप ज़्यादा घी इनटेक करते हैं तो बच्चा जो है वो प्रीमेच्योर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी जो चीज़ कर सकते हैं जो कि आप प्रेगनेंसी के किसी भी ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं वो ये कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। जब भी आपको अपनी बॉडी में जलन लगती है, चाहे हाथ पैरों की बात हो या पेट की बात हो या सीने की बात हो, आपको पानी का इंटेक उसी दिन से बढ़ा देना चाहिए। कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए। ये आपकी सारी जलन, एसिडिटी, गैस, इन सारी प्रॉब्लम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इन सबको कम करने में। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि आप नींबू पानी वगैरह ले सकते हैं, आप ग्लूकोज का पानी पी सकते हैं, इससे भी जो आपकी जो जलन का परेशानी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। इसके साथ साथ आपको जूसेस भी अपनी डाइट में इंटेक कर सकते हैं, जैसे कि जो सफ़ेद पेठे का जूस होता है आप उसे भी अपनी डाइट में इंक्लूड करें। सुबह खाली पेट आप सफ़ेद पेठे का जो जूस होता है वो पीना शुरू कर दीजिए और आपको बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। आप 3 दिन लगातार सफ़ेद पेठे का जूस पी लीजिए और आप देखिएगा कि आपकी जलन की बिल्कुल जो परेशानी है वो बिल्कुल चली जाएगी, आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होने वाला है। तो ये जो छोटी छोटी होम रेमेडीज़ हैं ये आप फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो परेशानी है वो ठीक हो जाएगी। ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनकी भी ये हेल्प कर सके, और हमारे चैनल प्रेगनेंसी केयर इंडिया एंड मॉम किड एक्सप्रेस दोनों को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।